कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर एलियंस का हमला हो चुका है और इन एलियंस को मिमिक्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। दुनिया की सारी आर्मी इन एलियंस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इंसानों ने इनसे लड़ने के लिए एक मैकेनिकल शूट तैयार किया है, जिसे नाम दिया है एंजल ऑफ द वर्दन। इन शूट की मदद से ही इंसान पहली बार मिमिक्स को हराने में कामयाब हुए थे, इसलिए अब सारी दुनिया एक साथ आकर इन शूट्स की मदद से एक ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल नाम दिया गया है। तभी हमें कहानी के मेन किरदार विलियम केज को दिखाया जाता है, जो कि एक पब्लिक अफेयर ऑफिसर है। केज को लंदन में कर्नल मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमने ऑपरेशन डाउनफॉल की पूरी तैयारी कर ली है और कल उस जंग में केज को भी शामिल होने लिए जाना है। केज हैरान है क्योंकि उसे कभी भी लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसलिए वो कर्नल से कहता है कि मैं जंग लड़ने के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन कर्नल उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए केज वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे कर्नल के कहने पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन केज को एक ऑफिसर लात मारकर उसे जगाता है। तब केज देखता है कि वो उस जगह पर पहुंच गया है जहां मिमिक्स से लड़ने के लिए सारी दुनिया की आर्मी इकट्ठा हुई है। तभी एक ऑफिसर केज के पास आकर उसे बताता है कि हमें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी दे दी गई है और वो ये भी जानते हैं कि वो एक भगोड़ा है। अब ऑफिसर केज को अपने सोल्जर्स के पास ले जाता है और वो अपनी टीम को बताता है कि केज यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेगा और ये सब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें कामयाब ना हो। ऐसा हुआ तो सबको कड़ी सजा दी जाएगी। तभी अलार्म के जरिए सभी यूनिट्स को जंग के लिए तैयार होने का अलर्ट दिया जाता है। सभी सोल्जर्स मैकेनिकल शूट को पहनकर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन केज को उस शूट को ऑपरेट करना नहीं आता था। उससे तो शूट की सेफ्टी भी अनलॉक नहीं हो पाती। उसके बाद सभी सोल्जर्स को जंग के लिए शिप के जरिए भेज दिया जाता है। जंग में उतरने से पहले ही उनके शिप पर एलियंस का हमला हो जाता है। जैसे तैसे केज उसमें बचकर बीच पर आ जाता है, जहां चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सभी सोल्जर्स एलियंस से लड़ रहे थे और एक एक करके मर रहे थे। तभी एलियंस केज की यूनिट पर भी हमला कर देते हैं, जिसमें उसके सभी साथी मारे जाते हैं। मिमिक्स केज के ऊपर भी हमला करते हैं। केज तो अपने शूट की सेफ्टी को भी अब तक अनलॉक नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही मिमिक उसे मारने ही वाला होता है, केज शूट की सेफ्टी अनलॉक केटी लेता है और उस मिमिक को मार देता है। केज उस मिमिक को मारकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी दुश्मन को नहीं मारा था। तभी उसके पास एक दूसरा मिमिक आ जाता है, जो बाकी मिमिक से काफी बड़ा और खतरनाक था। वो मिमिक जैसे ही केज को मारने के लिए आता है, तो केज एक ग्रेनेड की मदद से उसे मार देता है, जिससे उस मिमिक का सारा खून उसी के ऊपर गिर जाता है। केज की भी वही मौत हो जाती है। अगले ही पल उसे वही ऑफिसर फिर से वैसे ही लात मारकर जगाता है, जिसने उसे पहले भी ऐसे ही उठाया था। केज अपने आसपास वही सब देख रहा था जो वो पहले ही देख चुका था। उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई सपना देखा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो उसके साथ वही सब हो रहा था जो उसके साथ हो चुका है। केज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जंग में भी उसके सभी साथी उसी तरह मारे जा रहे थे जिस तरह उसने पहले ही उन्हें मरते हुए देखा था। इस बार भी केज की वहाँ मौत हो जाती है। अगले दिन भी उसके साथ वही सब रिपीट होने लगता है। उसके बाद केज ऑफिसर को सारी बात समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कल जंग में मरने वाले हैं, तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और फिर से वो उसी बीच पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग कैसे मरने वाले हैं। केज कई दिन तक इसी जंग को लड़ रहा होता है, जिस वजह से उसे पता होता है कि मिमिक्स कहां से हमला करने वाले हैं। उसी जंग में उसकी मुलाकात सार्जेंट रीटा से होती है, जो अपनी पिछली जंग की वॉरियर रह चुकी है। केज कई बार रीटा को मरते हुए देखा था, इस वजह से एक बार वो रीटा को मिमिक्स से बचा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि मिमिक्स कहां से उस पर हमला करने वाले हैं। रीटा ये देखकर हैरान रह जाती है और वो केज को कहती है कि अब जब तुम उठो तो सीधा मेरे पास आना, और तभी मिमिक्स केज और रीटा को मार देते हैं। अगले दिन केज फिर वहीं जागता है जहां ऑफिसर उसे लात मारकर उठा रहा होता है। अब केज किसी तरह सार्जेंट रीटा के पास पहुंच जाता है।
पहले तो रीटा उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जब केज उसे बताता है कि उसने ही केज को मिलने के लिए कहा था, तब रीटा समझ जाती है और उसे लेकर एक साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है जिसने मिमिक्स के ऊपर काफी रिसर्च की हुई है। केज उन दोनों से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब रीटा उसे समझाती है कि जिस मिमिक को तुमने कल जंग में मारा था वो एक अल्फा था जो 60,000 मिमिक्स में एक होता है। अल्फा एक ओमेगा से जुड़ा हुआ होता है जो इन सभी एलियंस का दिमाग है। ओमेगा के पास दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति होती है और जब भी कोई अल्फा मारा जाता है तो उसका सिग्नल सीधा ओमेगा तक जाता है जिससे ओमेगा उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है और इस बार अल्फा को वो सब याद होता है जो होने वाला है। रीटा उसे बताती है कि जब तुमने अल्फा को मारा और उसका खून तुम्हारे ऊपर गिरा था तो उस अल्फा की सारी पावर अब केज के पास आ चुकी थी और जब भी केज मरता है तो ओमेगा को लगता है कि उसका अल्फा मारा गया है जिसके बाद वो दिन को दोबारा शुरू कर देता है। बर्दन में भी हमें जानबूझकर जिताया गया था जिससे अर्थ के सभी इंसान एक साथ अपनी पूरी ताकत से लड़े और वो उन्हें एक बार में ही हरा सके। ऑन ऑपरेशन डाउनफॉल से एलियंस का नहीं बल्कि इंसानों का खात्मा होगा। तब केज उनसे पूछता है कि उन्हें रोकने कोई तो रास्ता होगा। तब साइंटिस्ट उसे समझाते हैं कि ओमेगा को पता चल जाता है जब कोई और उसकी पावर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए जब वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा तभी वो तुम्हें दिखाई भी देगा और तब तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगे जिससे मैं उसे मार सकूं। लेकिन केज का लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो रीटा उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। ट्रेनिंग के दौरान केज जब घायल हो जाता है तब रीटा उसे समझाती है कि जंग में तुम्हें घायल नहीं होना है, या तो तुम लड़ोगे या फिर मर जाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारे बॉडी से खून बहा तो ये तुम्हारी पावर्स चली जाएगी। पिछली जंग में उसके साथ भी यही हुआ था, इसलिए जंग में घायल होने पर तुम्हें खुद अपनी जान लेनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान केज कई बार घायल हो जाता है तो रीटा खुद उसे मार देती है। तभी एक दिन केज को सपने में ओमेगा की लोकेशन दिखाई देती है और अगले दिन वो ये बात रीटा को बताता है। अब ओमेगा तक पहुंचने के लिए उन्हें जंग से होते हुए ही जाना होगा। केज रीटा को वहां से निकालने की कई बार कोशिश करता है लेकिन हर बार वो रीटा को बचाने में नाकामयाब रहता है। रीटा को कई बार मरते हुए देख वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अब रीटा से प्यार करने लगा था। इसीलिए एक दिन वो रीटा के बिना ही ओमेगा को मारने के लिए चला जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहां पर कोई ओमेगा नहीं है बल्कि ये उसे फंसाने के लिए बिछाया गया था। वहाँ पर एक अल्फा भी मौजूद है जो उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो केज की पावर्स को छीनना चाहता है, इसीलिए वो केज के हाथ पर वार कर घायल कर देता है जिससे उसका खून तेजी से बहने लगा था। सारा खून बहने से पहले ही किसी तरह केज खुद को पानी में डुबो देता है। अगले दिन वो सारी बात रीटा को बताता है कि ओमेगा ने हमें फंसाने के लिए झूठा सपना दिखाया था। तभी साइंटिस्ट उसे बताता है कि ओमेगा से जुड़ने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसे अल्फा में लगाने से ओमेगा से जुड़ा जा सकता है जो कि लंदन में उसी कर्नल के पास रखा हुआ है जिसने केज को इस जंग में भेजा था। रीटा और केज किसी तरह कर्नल के पास पहुंच जाते हैं और केज उन्हें सारी बात समझाने की कोशिश करता है। कर्नल रीटा को उसके साथ देखकर उसकी बात मान लेता है और उसे वो डिवाइस दे देता है। वहाँ से निकलते ही आर्मी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगती है। तभी रीटा उस डिवाइस को केज के पैर में घुसा देती है जिससे केज को सपने में ओमेगा की असली लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें केज बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका सारा खून बहने लगता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर किसी और का खून चढ़ाया जा रहा है, यानी कि दिन को शुरू करने की उसकी पावर अब जा चुकी है। रीटा उसके पास आकर केज को मारने ही वाली होती है तभी केज उसे रोक देता है क्योंकि वो अब दिन को दोबारा शुरू नहीं कर सकता। वहां से केज सीधा अपने उन्हीं साथियों के पास पहुंच जाता है जिनके साथ वो रोज जंग में जाया करता था और उन्हें अपने साथ उस ओमेगा को खत्म करने के लिए ले जाने को तैयार कर लेता है। अब वो सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ओमेगा होता है लेकिन उसके बीच वहां मिमिक्स की पूरी आर्मी मौजूद है। केज अपने साथियों के साथ मिमिक्स को मारते हुए ओमेगा की तरफ जाने लगता है जिसमें एक एक कर उसके सभी साथी भी मारे जाते हैं। अब केवल केज और रीटा ही जिंदा बचे थे लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहां एक अल्फा भी मौजूद है। अब रीटा केज से अलविदा कहकर अल्फा का ध्यान बटाने के लिए दूसरे तरफ जाती है और अल्फा उसके पीछे जाता है।
तभी केज पानी में ओमेगा की तरफ जाने लगता है। इससे पहले कि केज ओमेगा तक पहुंच पाता, अल्फा रीटा को मारकर केज के पीछे आ जाता है और उसे भी मार देता है। मरने से पहले केज कई सारे बॉम्ब्स की पिन निकाल चुका होता है और वो बॉम्ब्स की पेटी को छोड़ देता है जो ओमेगा के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसमें ओमेगा पूरी तरह खत्म हो जाता है। ओमेगा के मरते ही दुनिया से मिमिक्स की सारी आर्मी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तभी केज की बॉडी ओमेगा का सारा खून सोख लेती है। अब केज की आंख 2 दिन पहले खुलती है जब वो कर्नल से मिलने के लिए जा रहा था। तभी वो न्यूज में देखता है कि पेरिस में हुए धमाके के बाद अर्थ से एलियंस का पूरी तरह सफाया हो चुका है। तभी केज रीटा के पास जाता है जो कि अभी भी जिंदा थी। केज उसे जिंदा देख काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।